हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो इस साल की आई एक बेहतरीन इमोशनल ड्रामा कहानी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यारी नाम की लड़की जिसको हम एक शांत घर से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जहां से वो अपने स्कूल के रास्ते को पकड़ती है। क्यारी के बस्ते में उसके बुक के साथ साथ तन्हाई और अकेलापन भी है, क्योंकि बचपन में ही उसके माँ बाप ने उसे छोड़कर विदेश चले गए। हालांकि क्यारी की उनसे बात तो होती रहती है, लेकिन वो एक परिवार के साथ में रहने का सपना उसका सपना ही रह गया। वहीं दूसरी तरफ हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जिनका नाम है जोनाथन। वो एक आर्ट और लिटरेचर के काफ़ी अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे राइटर भी हैं, लेकिन उन्हें यह हमेशा अफसोस रहता है कि उनकी लिखी हुई किताबें कोई पढ़ता नहीं है। इसी बीच उनकी क्लास में हम क्यारी को देखते हैं। जी हाँ, वो इसी कॉलेज में पढ़ती है, पर जोनाथन कहते हैं कि तुम जल्दी आ गई, तो अभी क्लास शुरू भी होने में काफ़ी वक्त है। लेकिन क्यारी कहती है कि वो जानबूझकर जल्दी आई है क्योंकि उसे भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है। जिसके बाद उन दोनों में बातें होना शुरू हो जाती है, एक आम टीचर स्टूडेंट के बीच में जो होती है। क्यारी अपने माँ बाप के बारे में बताती है कि वो एक वकील है और वो इस समय अमेरिका में रहते हैं, लेकिन मैं उनसे आखिरी बार तब मिली जब मैं 7 साल की थी। अब ये सुनकर जोनाथन समझ जाते हैं कि शायद ये लड़की जितनी बाहर से दिखने में खुश है, अंदर से उतनी ही अकेली है। वो बताती है कि मैं यहाँ ग्लोबल विला में रहती हूँ, जिसको सुनकर जोनाथन एक मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि मुझे लगता है कि वहाँ पर सिर्फ भूत ही रहते हैं, पर अब यकीन हो गया कि वहाँ इंसान भी रह सकते हैं। और तभी वहाँ पर एनी आ जाती है, क्यारी की दोस्त। उसी ने उसको ये कॉलेज प्रेफर किया था एडमिशन लेने के लिए। अब वो उनसे कैंटीन चलने को कहती है। उसके जाने के बाद जोनाथन देखता है कि क्यारी उसकी लिखी हुई बुक को पढ़ती है, जिससे वो थोड़ा हैरान था, क्योंकि जिस तरह की स्टोरीज वो लिखता है वो एक स्टूडेंट के दिमाग से परे होती है। अभी से वो कुछ और सोच पाता कि तभी वहाँ उसका दोस्त जॉन आ जाता है, जो उसकी लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी को रीड करके उसके साथ मस्ती करने लगता है, पर एज ए गुड वे में, इसीलिए वह बुरा नहीं मानता। अब घर जाने पर जोनाथन अपनी वाइफ क्लारा को क्यारी के बारे में बताता है कि कैसे वो अकेली उस ग्लोबल विला में रहती है, जहाँ से आने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। वो सुनकर काफ़ी हैरान थी, पर उससे ज़्यादा वो तब हैरान होती है जब जोनाथन ने उसे बताया कि वो उसकी लिखी हुई शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ता है। अब उसके पास उसकी बुक है। अब उनकी बातचीत के दौरान क्लारा को बार बार एक कॉल आ रहा था, जिसे वो कट कर देती है। अब ये किसका आई हमें बताया नहीं जाता। कुछ देर बाद दोनों ड्रिंक करते हैं और करीब आ जाते हैं, लेकिन फिर से वो कॉल आने लगती है, इसीलिए क्लारा चली जाती है और जोनाथन अकेले ही ड्रिंक करने लगता है। अगले दिन हम जोनाथन और उसके दोस्त को साथ में बैठा हुआ देखते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं कि सामने दिख रहे जंगल में शायद भूत रहते, क्योंकि उसके पीछे ही वो ग्लोबल विला है। तो उसका दोस्त जो कि कोच है, वो कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है, तुम वहां जाकर देख सकते हो, शायद तुम्हें पता लग जाए। तभी अगले ही पल हम उसी जंगल से क्यारी को आते हुए देखते हैं, जो इन दोनों के पास आकर गुड मॉर्निंग कहती है। जॉन वहाँ से चला जाता है, तो जोनाथन पूछता है, क्या तुम्हें उस जंगल के रास्ते से आते हुए डर नहीं लगता? तुम रोड से भी आ सकती, वो ज़्यादा सेफ है। तो क्यारी जवाब में कहती है कि उस जंगल में सबसे ज़्यादा खतरनाक मैं ही हूँ। अब उसके जवाब से जोनाथन काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, जो कि हम उसके चेहरे से दिखाई देता, पर वो कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर विनी, जो कि क्यारी की दोस्त है, वो अपने ही फिजिक्स टीचर के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, ताकि वो उसके खुद की क्लासेस में ज्वाइन कर ले, लेकिन जॉन पिघलता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। ये सब दूर खड़ी क्यारी देख रही होती है। उसके जाने के बाद वो उसके पास जाकर पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, अगर इस बारे में प्रिंसिपल को पता लगा तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। तो विनी हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें भी ये चीज़ जोनाथन के साथ ट्राई करना चाहिए। अब कॉलेज ऑफ होने के बाद दोनों को हम साथ में देखते हैं। क्यारी सिगरेट पीते हुए पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं दिखने में अच्छी हूँ? वो कहती है कि हाँ, तुम दिखने में अच्छी के साथ साथ स्मार्ट भी हो और तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आए हैं, साथ में खानदानी अमीर भी हो। क्यारी उसे सजेशन मांगती है जो कि वो लिटरेचर स्टोरी लिख सके। तो यहाँ विनी उसे टीचर स्टूडेंट के रिलेशन के बारे में लिखने को कहती है, क्योंकि ये भी आम रिश्तों की तरह ही होते हैं, ऐसा विनी का मानना है। लेकिन क्यारी ने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, पर आज की रात के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से करवट लेने वाली है। विनी उसे धीरे धीरे सब बताने लगती है। वो कोच जॉन के साथ भी रिलेशन में आना चाहती है, और ऐसे ही कुछ मैंने जोनाथन में भी देखा है, वो तुम्हें पसंद करता है जिस तरह से वो तुम्हें देखता है। लेकिन क्यारी को यकीन नहीं होता। उसके सो जाने के बाद क्यारी जोनाथन की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरीज पढ़ती है, और ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता, पर सुबह का सूरज उसके अंदर जोनाथन के लिए एक नई फीलिंग उजागर करता है। अब जब वो कॉलेज में होती है, तो वहाँ जोनाथन के सारे लेक्चर को बहुत ही आराम से और ध्यान से सुनती है। वो बार बार उसकी तरफ देखी जा रही थी। उसके बाद फिर से सब क्लास ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब क्लास ख़त्म हो जाती है, तो जॉन और जोनाथन दोनों ही आपस में बहुत देर तक बात करते हैं। उसके जाने के बाद जोनाथन अपने फेवरेट सॉन्ग पर डांस करना शुरू कर देता है, जिसको क्यारी देख लेती है और हंसना शुरू कर देती है, जिससे जोनाथन भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है।
पर फिर यहाँ दोनों बैठ कर बातें करने लगते हैं। जोनाथन उसकी लिखी हुई स्टोरीज की तारीफ करता है और वो उसकी कुछ लाइन बिना देखे उसे सुनाता है, जिसे कैरी को यकीन ही नहीं होता कि उसकी लिखी हुई लाइंस उसे याद है। पर कैरी भी उसके सामने उसकी लिखी हुई स्टोरीज के बारे में बातें करती है और पूछती है कि उन्होंने कब से लिखना शुरू किया। तो जोनाथन बताता है कि उसने एक ही बारी कोई रोमांटिक कहानी लिखी थी और उस दिन उसने कुछ महसूस किया था। फिर उसकी शादी हो गई, वो टीचर बन गया, पर यहाँ अंत में उसे एक प्रोजेक्ट देता है कि वो उसकी फेवरेट ऑथर के ऊपर एक स्टोरी लिखे और उसे लाकर सबमिट करे। अगर उसे वो पसंद आई तो उसके इस टर्म में उसके मार्क्स को ऐड करेगा। अब कैरी मान जाती है और फिर विनी के साथ वहां से चली जाती है। रात में हम जॉन, क्लारा और जोनाथन को साथ में एक बार में देखते हैं, जहां पर हमें ये भी पता चलता है कि विनी ओवर टाइम के लिए एक वेट्रेस की जॉब करती है, जिसे देखकर क्लारा कहती है कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बातें करती रहती हो, लेकिन वो मना करता है और बताता है कि उसका नाम कैरी है। पर यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि क्लारा कैरी के नाम से जलस होती है, जिसकी वजह से वो उसके दोस्त के सामने ही उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देती है और कहती है कि उसने पिछले कुछ सालों में कुछ भी खास नहीं लिखा जिससे कि वो खुद को एक राइटर कह सके, तुम एक बोरिंग टीचर हो। अगले दिन हम कैरी और जोनाथन को एक स्टोरी प्ले में साथ देखते हैं, जहाँ पर कैरी बताती है कि उसने अपनी स्टोरी को लगभग पूरा कर लिया। वहीं घर पर विनी उसे अगले दिन कॉलेज में एक नई ड्रेस पहनकर जाने को बोलती है, जिसको जब जॉन और जोनाथन देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। कैरी जॉन के बिस्किट की तारीफ करती है और फिर वहाँ उनके बीच में बातें होना शुरू हो जाती। और अभी यहाँ तक जोनाथन और कैरी एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। क्लास में कैरी जोनाथन को उसकी लिखी हुई स्टोरी दे देती है और कहती है कि आपको भी अब राइटिंग शुरू कर देना चाहिए। पर हम देख सकते हैं कि आज जोनाथन जल्दी जल्दी कहीं जा रहा है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ के साथ वीकेंड पर जाना है, इसीलिए वो क्लास को जल्दी ख़त्म करके चला जाता। इसी बीच कैरी नोटिस करती है कि उसका फ़ोन जल्दी से जोनाथन के बैग में चला गया, इसीलिए वह घर जाकर उसको कॉल करके इस बारे में बताती है और उसे घर आने को कहती है। लेकिन यहाँ पहली बार जोनाथन उसके घर आ रहा था, इसीलिए वो एक अच्छे से रेडी होती है और तैयार होकर बैठ जाती है। उधर जोनाथन क्लारा से बहाना मारकर थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाता है। यहाँ कैरी के घर आकर उसका फ़ोन दे देता है और जब वो उसे ऐसी ड्रेस में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और बारिश में दोनों करीब आते हैं। यहाँ से शुरू हो जाती है वो कहानी जिसको असल में कैरी ने लिखी थी, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच घटित रिश्ते के पहलू को साझा करना, और उसे ये सब लिखा था जिसको वीकेंड पर जाने के बावजूद भी जोनाथन अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने के बावजूद कैरी की लिखी हुई स्टोरीज को पढ़ना शुरू कर देता है, जो असल में उन दोनों की कहानी थी जिसमें वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, जिसको पढ़कर जोनाथन अलग ही ख्वाबों में खो जाता है। एक ही रात में वो उस पूरी स्टोरी को पढ़ डालता है और वो पूरी कहानी सच लगने लगती है उसे, शायद ही उसकी एक फैंटेसी थी। अब 3 दिन के बाद वीकेंड खत्म होता है और सब लोग वापस से अपनी जगह पर आ जाते हैं, यानी कि कॉलेज में। कैरी को लगता है कि उसकी स्टोरी जोनाथन को बहुत पसंद आई है, लेकिन वो उसे बहुत सुनाता है और कहता है, ये तुमने क्या लिखा है, ये तो कुछ और ही लग रहा है, ये सब मैं कभी सोच भी नहीं सकता, और जाओ जाकर किसी और ऑथर को लेकर एक अच्छी सी स्टोरी लिखो। तो कैरी कहती है कि मैंने ये सब आपकी ही बुक में से लिखा है, वहां से इंस्पिरेशन ली है, ये कहानी हम दोनों की है। लेकिन जोनाथन उसके मुंह पर मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में, और अगर तुमने अब अच्छा कुछ नहीं लिखा तो मुझे तुम्हें फेल करना होगा। इस बात से कैरी रोने लगती है और गुस्से में कहती है कि आप मुझे फेल करके दिखाओ, मैं भी देखती हूँ। जोनाथन काफी गुस्सा हो जाता और अपने घर आ जाता। कैरी इन बीती दिनों में काफी खुश थी, उसने थोड़ा जो कुछ भी महसूस किया उसे काफी खुशी मिली थी, लेकिन अब वो फिर से वहीं आकर खड़ी हो गई है, इसीलिए उसे ज्यादा बुरा लगता है। उधर घर जाकर जोनाथन क्लारा आज के बारे में बताता है कि कैसे उसके एक स्टूडेंट ने एक टीचर और स्टूडेंट के बारे में रिश्ते को पन्ने में गलत तरीके से लिख दिया, और ये कोई और नहीं बल्कि कैरी थी। उसको आगे से गुस्से में देख कर क्लारा खुश हो रही थी, चलो अच्छा ही कम से कम वो इस बहाने उसे दूर तो रहेगी। वो भी उसी बुक को पढ़ती है कि तभी उनके घर जॉन आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैरी विनी के साथ ड्रिंक कर रही होती है। आज जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आया, इसीलिए वो सब कुछ उसे बताना शुरू करती है। लेकिन विनी तो बोरिस के साथ व्हाट्सएप पर बिजी होती है, इसीलिए वो उसे पूछती है कि क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो, पर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। जिसके कुछ ही देर बाद दोनों दोस्त करीब आ जाते हैं। इसी दौरान वहां पर जोनाथन के पास उसी वाइस प्रिंसिपल का कॉल आता है, जो उसे कैरी के बारे में पूछना शुरू कर देती है, क्योंकि आज वो सब होने के बाद कैरी ने अपनी स्टोरी प्रिंसिपल तक पोस्ट कर दी, क्योंकि जोनाथन ने उसे वो रिस्पांस नहीं दिया जो वो चाहती थी। अब जोनाथन क्लारा को इस बारे में बताता है कि कैरी ने वो स्टोरी प्रिंसिपल को दिखा दी है, इससे मेरी जॉब भी जा सकती है, क्योंकि ये गैर कानूनी है किसी भी टीचर का स्टूडेंट के साथ अफेयर होना। खैर अगला दिन आता है, सभी बच्चे क्लास में होते हैं सिवाय कैरी के, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल के पास थी, जो कि उन चीज़ों के बारे में एक एक करके सब कुछ पूछना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो एक एक करके उन्हें सब बता देती है। फिर बारी आती है जोनाथन की, मगर वो बातों को तोड़ मलोड़ कर बताता है
क्योंकि उसे अपनी जॉब की जाने की ज्यादा डर था। लेकिन जो कुछ भी कैरी ने बताया था, कैसे वो हर दिन मिलने के लिए उसके घर आता है, हालांकि ये सारी चीजें झूठ थी, ये बस एक कहानी थी, इमेजिनेशन थी। पर कैरी अब जोनाथन की स्टोरी और उससे ऑब्सेस्ड हो चुकी थी, इसीलिए वो उसके पास रहना चाहती थी। और जोनाथन को ये सब गलत लगता है, फिर भी जोनाथन को सस्पेंड कर दिया जाता है। और जब ये बात लेकर वो घर जाता है तो उसकी वाइफ उसे बहुत सुनाती है और कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत था, इसीलिए उसे सजा मिली है। क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है? पर जोनाथन इनकार कर देता है, लेकिन वो तो उसकी बातों को मानने को राजी नहीं थी। यहाँ तक कि वो उल्टा सीधा उसे सुनाने लगती है कि वो खुद की स्टूडेंट से प्यार में पागल हो चुका है। अब इन सब बातों को लेकर उन दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है और ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि जो सालों की भलास क्लारा ने खुद के अंदर दबा कर रखी थी वो सब बाहर निकाल देती है। उधर दूसरी ओर जब विनी को पता चलता है कि जोनाथन को सस्पेंड कर दिया गया है तो वो सीधा कैरी के पास आती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब किया है, पर क्या जरूरत थी? लेकिन मुझे पता है कि तुमने इसलिए सब किया क्योंकि उसने खुद की वाइफ के लिए तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। मैं जाकर प्रिंसिपल को सब कुछ बता रही हूँ। लेकिन यहाँ दोस्तों कैरी कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो आज एक टीचर की जगह दो टीचर की जॉब चली जाएगी, इसीलिए बेहतर है कि अपने काम से काम रखो। फिर वो अपनी कहानी की एंडिंग बताना शुरू करती है जो उसने लिखी थी, जिसमें ना तो अब आथर के पास जॉब है, ना ही उसकी बीवी, और ना ही वो जिससे कि वो अपना सब कुछ शेयर कर सकता है, यानी कि मैं। उसने उस एहसास को खुद से दूर कर दिया जिसको सोचने पर उसे खुशी मिलती थी। लेकिन अब इस सस्पेंशन के दिनों में जोनाथन फिर से अपने उस हुनर को किताबों के पन्नों में उतारने की कोशिश करना शुरू कर देता है। उसने उस पुराने रूम को भी साफ कर दिया जहाँ पर वो सालों पहले लिखा करता था। उस समय के बाद हम जोनाथन को एक चर्च के बाहर बैठा हुआ देखते हैं। वहाँ पर कैरी आती है। उसको ऐसा बैठा हुआ देख कर खुद को रोने से वो रोक नहीं पाती और वहीं उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। यही हाल जोनाथन का भी था। कैरी के लिए उसका हीरो और विलन दोनों ही जोनाथन था, क्योंकि उसने भले ही थोड़े दिन के लिए लेकिन खुशियां दी थी, उसे अच्छा महसूस तो कराया था जिस चीज को वो बचपन से खोज रही थी। आपको क्या लगता है कि अगर उस दिन कैरी झूठ बोल देती तो आज इस कहानी का कुछ अलग ही पहलू होता, या फिर जोनाथन ने जो किया उसे वो नहीं करना चाहिए था? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।